चल चल भाई लोग, तो मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं देने वाला हूँ तुम लोगों को न्यूज़, न्यूज़ बॉय बनके। तो आज एक ही न्यूज़ देने वाला हूँ, एक ही मॉन्स्टर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि फ्राइडे को आने वाला है। जहाँ तक फ्राइडे को आएगा, क्वेस्ट ब्रीडिंग चैलेंज में, मतलब ब्रीडिंग इवेंट जो आने वाला है क्वेस्ट वाला, तो उसी में आएगा जहाँ तक। तो चलो उसको देखेंगे। इससे पहले देख सकते हो मेरे पास एक मिथिक मॉन्स्टर, इसका हैच नहीं करेंगे, तो चलो पहले देख लेते हैं उसको। तो तुम लोग देख सकते हो ये एक नया मिथिक मॉन्स्टर है, और ये है गोट भैया हमारे। हाँ, और गोट भैया, इसका नाम है गोथराम, गोथराम है इसका नाम, या गोथराम है या गोठराम है, जो भी राम हो ये, मतलब यार राम वाम मत रखो, सही नहीं होता, हमारे यहाँ पे दंगे हो जाते हैं इस नाम पे। और ये तो ज़्यादा पॉलिटिकल बात कर दी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, शेयर वेयर मत करना इस वीडियो को। तो ये मॉन्स्टर आने वाला है फ्राइडे को, तो तुम लोग तैयार है ना, क्वेस्ट ब्रीडिंग इवेंट में मिलेगा ये, और ये उनको ही मिलेगा जिनके पास लेजेंडरी मॉन्स्टर है। तो तैयार रहना तुम लोग। और तो चलो मल्टीप्लायर खेलते हैं यार, फायरफ्लाई का थोड़ी बहुत रिव्यू कर देते हैं, मतलब कि समझ रहे हो ना, फायरफ्लाई मुझे देखना है। एक बंदा भी कह रहा था मुझसे कि भाई थोड़ा सा फायरफ्लाई का बताओ कैसे, मतलब कैसा मॉन्स्टर है। तो चलो भाई देखते हैं कैसा मॉन्स्टर है, मैंने ट्राई तो नहीं करा अभी तक। तो चेंज कर लेते हैं टीम। तो भाई हम करेंगे हड्डी पहलवान को चेंज, कि समझे तुम, हड्डी पहलवान को करेंगे आज। तो हमारा हड्डी पहलवान भाई फायरफ्लाई से चेंज हो जा, और फायरफ्लाई को थोड़ा सा फीड करवाएंगे, क्योंकि मेरा वो हो चुका है, मैं कल अपग्रेड दिया था उसको टेम्पल को। तो चलो, तो भाई साहब ओके ओके, कुछ वो देख लेते भाई हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेगा टंट है, मेगा टंट नहीं है भे, स्टंट है, स्टन है, स्टन। अबे क्या यार, क्या सही से स्कूल गया होता तो आज मुझे जॉब नहीं करना पड़ता, लेकिन सही से स्कूल गया तभी थोड़ी बहुत जॉब करने को मिल गया मुझे, जो भी हो मतलब छोड़ो। तो कुछ आज इसके अटैक्स ले लेते हैं, ये एक सपोर्टर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक सपोर्टर है, अपने काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो देख लेते भाई, ट्रू विज़न नहीं चाहिए अभी, ट्रू विज़न की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये हम नहीं रखेंगे, ये रखना चाहिए मुझे, वन एनिमी है, नहीं यार वन एनिमी रखना सही नहीं होगा, जो मतलब एक अटैक तो रखना ही पड़ेगा। ये इसके बदले ये टू टर्न के लिए बैन होएगा, मतलब टू टर्न इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको, इसे रख लेते हैं, क्योंकि भाई ये तो है ही अपना वर्निंग वाला। तो चलो फिर चलते बैटल वैटल कर लेते हैं। तो रून वून लगाएंगे नहीं, इसमें लगा सकते हैं ना हम, ये रैलिक तो लगा सकते हैं यार, रैलिक देखता हूँ यार, रैलिक लगेगा कि नहीं। तो चलो यार रैलिक वैलिक देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो इसमें लगाएंगे, अच्छा अभी तक मिला ही नहीं है मुझे, तो चलो छोड़ो रैलिक नहीं लगाएंगे, बिना रैलिक के खेलेंगे हम दो तीन मल्टीप्लेयर बैटल। तो चलो चलते देखते हैं कौन आता है हमसे लड़ने वाला, हमसे भिड़ने वाला, कोई ना कोई चाहिए ताकतवर थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 22 लेवल का है, ज़्यादा ताकतवर तो होएगा नहीं। अबे यार ये कमजोर को लेकर आ गया, तो ये तो इसी से ख़त्म हो जाएगा यार, काय को लेकर आया रे बाबा, तू काय को लेकर आया इसको, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे ही ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, चलता है इतना, एक और बैटल करेंगे इसके बाद, तो हमें कौन सा चेस्ट मिलेगा देखते। ओके, वन आवर टायर टू चेस्ट, वन आवर के लिए, कोई बात नहीं, इसको हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद चलेंगे। तो स्टार्ट हो गया अनलॉकिंग इसका, तो एक और फाइट करेंगे हम लोग, चलो भाई लोग। तो चलो भाई चलते हैं, चलो 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 चलो, ओके ब्रदर, ओके ये भी कमज़ोर है भाई लोग, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं इसी से अटैक करूँगा फायरफ्लाई से, बस फायरफ्लाई के पास कौन कौन से अटैक है देख लेते हैं। ओके ये नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लेयर अटैक था, ए सिंगल ए मल्टीप्लेयर, तो इसको देखते हैं भाई। ओके मर गया, ये बच गया अपना अंकल जी, निकल लो, ये बहुत मुश्किल से मिला था यार मुझे इस वाला अकाउंट में, लेकिन मिल गया तो मैं खेल लिया था गोल्डन पम्पकिन के लिए। तो देखते हैं भाई आगे, देखते हैं क्या होता है, ये भी कुछ ज़्यादा खास था नहीं बैटल, तो हम कोई ख़तरनाक से बैटल देखते हैं यार, क्या मतलब कुछ ख़तरनाक, मैं सिंगल में खेलूँ क्या, फायरफ्लाई को सिंगल लेके खेलूँगा, ठीक है। तो चलो सबको हटा देता और फायरफ्लाई को सिंगल में लेके खेलते, क्या बोलते हो? तो चेंज करते हैं भाई, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, सिंगल में लेके खेलेंगे, देखेंगे कितनी ताकतवर है। तो सिंगल में चालू करेंगे हम फाइट, तो चलो देखते हैं भाई कौन आता है सामने टीम, हु इज़ कमिंग। ओके 35 लेवल का है बंदा, तो इसमें एक मिथिकल भी है, तो देखते भाई क्या होता है। तो इसमें एक मल्टीप्लेयर अटैक कर सकते हैं, ये वाला इसमें तो ख़त्म ही हो जाएगा यार, ओह तो काफ़ी पावरफुल है फायरफ्लाई, तुम लोग समझ सकते हो, तुम लोग यूज़ कर सकते हो, अगर बिगिनर्स तो बहुत ही मस्त है, बड़े के लिए भी ठीक ठाक ही है। तो ज़्यादा अच्छे तो मिल नहीं रहे मुझे कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, चेस्ट नहीं मिल रहा मुझे ज़्यादा, यही मिलता रहता है हमेशा टायर टू का। तो एक दो बैटल और खेलेंगे, देखेंगे यार कुछ, मतलब सिंगल में ही खेल के देखेंगे कुछ बात बनती है कि नहीं। तो भाई देखते हैं भाई, कुछ ढंग का आ जाए यार, मतलब आ जाए बस, कोई तो होना चाहिए ना एक, जो मुझे टक्कर दे दे, थोड़ा सा टक्कर, बिल्कुल भाई टक्कर देने वाला कोई टीम है क्या? ओके ये तो काफ़ी ख़तरनाक टीम लग रहा है मुझे, ये मुझे ओए 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 एक ही बारे में,
अबे मौका तो देता यार ये, यार किल ड्रिल मुझे मौका ही नहीं दिया इसने, मैं इसे एक ही बार में ख़त्म कर देता, लेकिन इसने मुझे एक ही बार में ख़त्म कर दिया। ये बेइज्जती है सरासर, इसको कट कर देना, बिल्कुल कट कर देना चाहिए इसको, हम एक और फाइट करेंगे। ओके 22 लेवल का ही है ये बंदा, मुझे लगता नहीं यार कोई ढंग का बंदा मिलेगा, तो मुझे लग रहा है वीडियो कटवर्ट करके निकलते यार यहाँ से, क्योंकि यार मतलब वैसे फायरफ्लाई तुम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ख़तरनाक मॉन्स्टर है समझ रहे हो, लेकिन यार ये मुझे लग नहीं रहा कुछ बात बन सकती है, कोई तगड़ी टीम मिलेगी मुझे। मल्टीप्लेयर में कोई तगड़ा टीम बचा ही नहीं है यार, इतने छोटे लेवल में भी मैं हरा दे रहा हूँ, इतने कमज़ोर को कौन रखता है डिफेंस में, कोई ख़तरनाक सा है मतलब? वैसे तो एक ने बहुत बुरी तरीके से मारा किल ड्रिल ने मुझे, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक अच्छा टीम तो चाहिए ना मतलब तुम लोगों को दिखाने के लिए। तो ये भी एक घटिया टीम है, ये भी बहुत ही घटिया टीम है ये, पता नहीं कहाँ से यार। तुम लोग डिफेंस में सही से रखो ना, कुछ तो सही से रखो यार, मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग, मुझे पीटना है कि नहीं? तो मैंने इनमें कमज़ोर अटैक इसलिए कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि मतलब सामने वाला अटैक करे तो मेरे को क्या होता है। तो ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, तो ख़त्म करो इसको, समझ रहे हो? तो क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा, एक और फाइट कर लेता हूँ, उसके बाद यार मैं फिर मुझे गुस्सा आ चुका है, इसलिए मैं एक ही फ़ाइट करूँगा बस। तो ठीक है, इसके बाद एक ही फ़ाइट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। भाई कोई ढंग की टीम आ रहा तो आ जा, वरना मैं तो चला भाई। और ये फायरफ्लाई तुम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ख़तरनाक मॉन्स्टर है ये, काफ़ी ख़तरनाक में, ठीक है? तो देखते हैं भाई, ठीक है फिर से एक और टट्टी टीम, तो हम टट्टी कर करके थक चुके हैं भाई साहब, इसे ख़त्म ख़त्म करके निकल लेते हैं यहाँ से। तो निकल लो यहाँ से, अब आना मत गलती से भी यहाँ पे। तो ये भी ख़त्म हो गया, तो देख सकते हो मैंने फायरफ्लाई का भी रिव्यू कर दिया थोड़ी बहुत, तुम मतलब जो भी भाई, मैं तेरा नाम थोड़ा सा भूल गया, मतलब वैसे मुझे याद है, मैं चेक करके बताऊँ, लेकिन गेम प्ले के बीच में कैसे बताऊँ। तो यार चलते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, या फिर एक और फाइट कर ही लेते हैं, एक और कर लेते हैं, कोई तगड़ी टीम मिल गया तो किस्मत है, वरना चल देंगे, ठीक है? इसके बाद कोई मतलब ही नहीं है रहने का। तो देखते, ओ भाई अच्छा खासा लेवल का बंदा है, तो देखते, ओके काफ़ी तगड़ी टीम है ये, तो देख लेते हैं भाई। ओके काफ़ी तगड़ा है, दो मिथिक मॉन्स्टर है इसमें, तो ठीक है भाई, ये तो गया, वो वापस आ गया, मतलब वापस नहीं आया, उसने अटैक कर दिया मेरे ऊपर पे, मुझे लगा गए ये लोग। तो फायरफ्लाई काफ़ी तगड़ा है मुझे लग रहा है, सिंगल में संभाल लेगा, तीनों को संभाल सकता है, एक तो कॉमन ही है। तो ओके दो तो गए, ये बच्चा भाई साहब मिस हो गया शायद उसका अटैक, चलो ये अच्छा हुआ, मैं करता हूँ भाई। ओके मेरा भी मिस हो गया, ये कैसे भाई, काफ़ी तगड़ा मॉन्स्टर है ये भी, तो देखते भाई ये मरता है कि नहीं इसमें मल्टीप्लेयर। ओके सिंगल में मर जाना चाहिए यार। ओके हम जीत चुके, तो बहुत समय बाद एक तगड़ा टीम मिला और उसको हरा दिया। तो फायरफ्लाई के लिए हम 10 में से पूरे 9.5 नंबर देंगे इसको, पूरे 10 नहीं देंगे, 9.5, और ये काफ़ी अच्छा मॉन्स्टर है, तुम लोग यूज़ कर सकते हो इसको। तो मैंने फायरफ्लाई का भी रिव्यू कर दिया थोड़ी बहुत, और कुछ अच्छी चेक कर लेते हैं यार। मेरे पास ये मिथिक मॉन्स्टर भी है मेरे पास एक, इसको हैच वैच कर दूँ, मेरे पास मिथिक हैबिट नहीं है शायद, तो ये इसको मैंने काफ़ी दिनों से रख रखा अंडा बना के, लेकिन हैबिट नहीं है, तो मुझे एक हैबिट ख़रीदना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके लिए मुझे जगह खाली करना पड़ेगा यार, मजाक थोड़ी ना है, जगह खाली करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो ये जगह खाली करूँ कहाँ से, खाली करूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो इसको अपग्रेड देना है, लेकिन मुझे एक मिथिक हैबिट तो देना ही पड़ेगा। तो एक काम करते, थोड़ा सा जगह खाली करते, उसके बाद एक मिथिक हैबिट हम अपग्रेड पे दे देंगे। तो इसको थोड़ा सा इधर हटाएंगे हम, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ तक ये आ सकता है, आ सकता है भाई, आ जा आ जा आ जा, हाँ ठीक है ये फिट हो गया यहाँ पे, चलो ये अच्छा हुआ। इसको हटा के हम यहाँ नहीं आएगा, एक यहाँ पे भी नहीं आएगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे करके कुछ बात बन सकता है क्या? ठीक है थोड़ी बहुत आगे पीछे करके देखते, यहाँ पे रख के फिर इसको थोड़ा सा इधर करके चुपका चुपका के रखेंगे, देखते हैं भाई कुछ बात बनती है कि नहीं, ऐसे में भी बात बन नहीं रही है कुछ ढंग का। तो इसको एक काम करते हैं, मिथिकल हैबिट को इसको मुझे वहाँ रखना है, मिथिक को यहाँ लाना है, वो फिट हो सकता है भाई, फिट हो सकता है ये, मुझे लग तो रहा है एक बार हुआ था यार थोड़ा सा, हाँ ठीक है ये पीछे होके, तो ये फिट हो सकता है, अब फिट हो सकता है ये जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलो भाई देखते हैं, भाई देखते हैं कैसे फिट होता है कि नहीं ये। तो थोड़ा सा हटा के मैंने कर दिया, हाँ फिट हो सकता है ये, ओके फिट हो गया ये। तो अब हम एक मिथिक हैबिट खोल लेंगे, चलो जल्दी से बाई करते एक मिथिक हैबिट। तो भाई यहाँ पे मिथिक हैबिट से रहा हैबिटेट्स, तो मिथिक चाहिए हमें एलिमेंट मिथिक, ओके मिथिकल तो एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो छोड़ो यार ऐसे ही ढूंढ लेंगे हम, मिथिकल क्यों नहीं दिया भाई, लेजेंडरी है तो, चलो मिथिकल ये रहा, तो ढूंढने की जरूरत थी नहीं वैसे, तो इसको कर देंगे ओके। तो ये हो चुका है, तो चलते दुआ में, अजन टाटा बाय बाय। तो यहाँ तक अगर देख लिया तो सब्सक्राइब कर ही देना तुम लोग, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, वैसे भी